हेलो दोस्तों, मैं कुमार गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डेस्टिनेशन पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने आधुनिक भारत का जो सीरीज शुरू किया था उसका चौथा पार्ट लेकर मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। और किस तरह हम लोग इतिहास में देखा है कि मुगल शासन अपने वर्चस्व को खोते जा रहा है धीरे धीरे, और इसी क्रम में हमने देखा था कि लास्ट शासक हम लोगों ने जहाँ तक देखा वो मोहम्मद सातक देख लिया था। अब इसके आगे जो करेक्टर आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि हमारा अगला कैरेक्टर है वो अहमद शाह। तो इस पर हम लोग अभी से चर्चा करेंगे, और आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, कि जैसे ही आज मुगल शासन समाप्त होगा इसके साथ ही अगले सेशन में हम लोग शुरू करेंगे मराठा साम्राज्य, जो कि अपने आप में बहुत ही बृहद और बहुत ही ज़बरदस्त उसमें पैटर्न है, उसमें शासन व्यवस्था है। उसको हम लोग देखेंगे किस तरह उसने अंग्रेजों के साथ ईंट से ईंट लगा के लड़ा और जो है सो वहाँ पे उसके दांत खट्टे कर दिए किस तरह से मराठा साम्राज्य शिवाजी के प्रशासन में। तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। और उससे पहले दोस्तों कि मैं जो भी फैक्ट आपको बताता हूँ ये तो आपको सारे बुक में मिल जाए, चाहे आप सतीश चंद्रा पढ़े या फिर बिपिन चंद्रा पढ़े या फिर यूनी पब्लिकेशन का बुक पढ़े या फिर जेएल मेहता पढ़े, बट मैं जिस तरह से आपको कहानी के तौर पे आपको समझाता हूँ वो एक अलग फैक्टर क्रिएट करता है कि वो आपको समझने में वो आपको मदद करे, ताकि आपको किसी चीज़ को ज़्यादा रटने की जरूरत ना पड़े। जैसे मैं सीरीज के साथ ले चल रहा हूँ, आप उसके साथ बने रहिए और मजे कीजिए। चलते हैं हम लोग, शुरू करते हैं आज का सेशन। मोहम्मद शाह के बाद दोस्तों जो गद्दी पर बैठता है उसका नाम अहमद शाह है, और अहमद शाह के बारे में कहा जाता है कि वो एक नर्तकी पुत्र है, और उसके पिता के बारे में कोई ठोस उल्लेख नहीं किया गया है इतिहासकारों के द्वारा, और ऐसा माना जाता है कि वो मुगलों का साइड इफेक्ट था। ठीक है, इसमें ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है दोस्तों, क्योंकि उसके प्रशासन में एक हिजड़ा था जिसका नाम था जावेद खान, और वो जावेद खान के साथ अपने प्रेम प्रसंग के लिए काफ़ी चर्चित हुआ, और इसी वजह से उसने जावेद खान को एक उपाधि भी दिया था जिसका नाम था नवाब बहादुर। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि नवाब बहादुर किसको कहा जाता है, तो जावेद खान को। ठीक है, और इसके प्रशासन में दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो घटना घटी थी वो कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। और ये अहमद शाह अब्दाली कौन है दोस्तों, तो ये जुड़ा हुआ पीछे की कड़ी से, जो मैंने आपको बताया कि नादिर शाह किस तरह भारत पर लूट मचाता है। तो ये नादिर शाह का ही एक सेनापति है जो कि उसके नज़र में काफ़ी योग्य सेनापति था, काफ़ी साहसी सेनापति था, और अहमद शाह अब्दाली उसी का सेनापति था। और ये जो लूटने की जो प्रक्रिया है वो एक गाना सुने है ना दोस्तों कि मुझे तो तेरी इज्जत लग गई, तो इन लोगों को भारत को लूटने की आदत लग गई थी। तो पहले नादिर शाह ने लूट के गया था, और अब 1748 में उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने फिर से भारत को लूटा। मैंने जैसा बताया दोस्तों कि जावेद खान के प्यार में वो कुछ ज़्यादा ही पागल था, और जावेद खान ही उसका प्रधानमंत्री था और वो शासन व्यवस्था को पूरा देखा करता था। अहमद शाह को प्रशासन में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आगे चल के क्या होता है दोस्तों कि अहमद शाह भी अपने प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है, जो कि जावेद खान को ये अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आप ही सोचो दोस्तों, वो इससे पहले यानी कि जब तक अहमद शाह हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, तब तक वो जो है सो खुद ही एक बेताज बादशाह की तरह काम कर रहा था, सारे प्रशासनिक कार्य को कर रहा था और सारा डिसीजन खुद ले रहा था। लेकिन जैसे ही अहमद शाह ने इंटरफेयर करना शुरू किया, ये चीज़ उसे नागवार गुजरी, और इसी बीच दोनों के बीच अनबन होती है और जावेद खान ने अहमद खान की हत्या कर देता है। ठीक है, यानी कि इस तरह से अहमद शाह के अंत हो जाता है, उसकी मृत्यु कर दिया, उसकी हत्या कर दी जाती है जावेद खान के द्वारा, और यहाँ से अहमद शाह की कहानी ख़त्म। तो अहमद शाह में दोस्तों ज़्यादा पॉइंट याद नहीं रखना है, पहला है कि वो एक नर्तकी पुत्र है, उसके पिता के बारे में कुछ खास नहीं कहा गया है, वो मुगलों का साइड इफेक्ट कहा जाता है, वो एक और उसका प्रधानमंत्री जावेद खान था, अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में उस पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, तो अहमद शाह के बारे में बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा लोड नहीं देना। और एक बार दोस्तों, मैं जिस तरह से आपको कहानी के तौर पे पूरे फैक्ट को याद कराता हूँ, आप इसी को एक दो बार जरूर देखना पूरा वीडियो, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डेट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक सीरीज में चलना, एक कालांतर में चलना, कि जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया था कि बहादुर सा प्रथम आया, उसके बाद फिर जहांदार सा बना, फिर फरुख शेर बना, फिर रफीउद्दरजात बना, फिर रफीउद्दौला बना, फिर मोहम्मद शाह बना, उसके बाद फिर अहमद शाह। तो आप इस क्रम को रटते जाना, एक दो बार बोलना अपने आप खुद से ही, तो आपको बिल्कुल भी याद, मतलब डेट याद करने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जैसे कि पीएससी में पूछता है कि मैचिंग का क्वेश्चन, कि लगातार सीरीज दे देगा कि इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, तो वहाँ से आपको ये बनाने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। क्योंकि मेरे पढ़ाने का उद्देश्य सीधा सिर्फ आपको सिलेबस पूरा नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाने का मतलब होता है दोस्तों कि आपको याद भी हो जाए, पढ़ते तो सब है बट याद होना ज़रूरी है ताकि आपको मज़ा आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अहमद शाह के बाद जो शासक बनता है उसका नाम है आलमगीर द्वितीय। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आलमगीर द्वितीय है, यानी कि इससे पहले भी आलमगीर वन भी कोई होगा। तो मैंने आपको जब औरंगजेब के बारे में बता रहा था तो बताया था औरंगजेब अपना जब राज्याभिषेक कराया था तो उसने अपना एक उपाधि लिया था जिसका नाम था आलमगीर। ठीक है, तो आलमगीर जो पहला कहा जाता है वो औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आलमगीर हैंडराइटिंग पे मत जाना दोस्तों, आपको फैक्ट से मतलब है। आलमगीर द्वितीय के बारे में हमें यही याद रखना है दोस्तों कि इसका वास्तविक नाम अलीउद्दीन है, औसे आलमगीर औसे अलीउद्दीन। इसके प्रधानमंत्री का नाम गाजीउद्दीन है और गाजीउद्दीन ही सारे प्रशासनिक कार्यकाल को संभालता है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि आलमगीर द्वितीय प्रशासन में आने से पहले ज़्यादातर समय अपना वो जेल में बिताया और इसी वजह से प्रशासन के कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं था। बट ऐसा फिर वही बात होती है दोस्तों कि कालांतर में इसने भी आलमगीर द्वितीय ने भी प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है, जो कि गाजीउद्दीन को ये नागवार गुजरता है और गाजीउद्दीन ने अंततः इसकी हत्या करवा देती है। और इसका हत्या करवाने के बाद इसके सबको लाल किला के पीछे जो यमुना नदी बहती है उसमें इसे फेंकवा देता है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो दोस्तों कि मुगल शासन में एक ऐसा प्रशासक, पहला प्रशासक जिसका कि कोई मकबरा नहीं है, कोई कब्रगाह नहीं है। तो ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों कि आलमगीर द्वितीय ऐसा इकलौता प्रशासक हुआ अपने मुगल शासन में जिसका कि कोई कब्रगाह नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आलमगीर द्वितीय की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। आलमगीर द्वितीय के बारे में बहुत कुछ याद नहीं रखना है। इसका वास्तविक नाम अलीउद्दीन, प्रधानमंत्री का नाम गाजीउद्दीन और ये पहला बादशाह हुआ जिसका कि कोई कब्रगाह नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है हमारा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का ओरिजिनल नाम दोस्तों क्या होता है, अली गौहर, और इसका जो प्रधानमंत्री है जो उसका नाम है गुलाम कादिर खान। अब तक हमने देखा कि शाह आलम द्वितीय में कि उसका असली नाम अली गौहर है और उसके प्रधानमंत्री का नाम गुलाम कादिर खान है। शाह आलम द्वितीय दोस्तों काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उससे भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था उसका प्रधानमंत्री गुलाम कादिर खान। ठीक है दोस्तों, तो इसकी महत्वाकांक्षा यहाँ तक बढ़ गई थी दोस्तों, मुगल शासन अपने फुल पावरफुल पोजिशन में था तो उस समय बंगाल और बिहार का जो सूबेदारी था वो मुगल शासन के साथ ही था। यानी कि उसी उसका जो जितने भी रेवेन्यू जितने भी टैक्स आते थे वो मुगल शासन में आते थे। बट मैंने बताया आपको कि किस तरह जैसे ही मुगल शासन कमज़ोर होता है और साथ ही बंगाल का जो शासक है अली वर्दी खान वो जो है सो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो इस तरह से बिहार की सूबेदारी भी इसके हाथ से निकल जाती है। तो शाह आलम चाहता है कि मैं बिहार को फिर से मुगल प्रशासन में शामिल कर लूँ, उसको अपने में मिला लूँ। बट अभी प्रेजेंट में वो है बंगाल के शासन में जुड़ा हुआ, तो इसको बंगाल के साथ युद्ध करना पड़ेगा। यानी कि बंगाल का प्रशासक जो है उस समय मीर जाफर था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि आलमगीर शाह आलम द्वितीय को अगर बिहार को भारत में अगर बिहार को मुगल शासन में मिलाना है तो सबसे पहले मीर कासिम को मारना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में वो दोस्तों पहुँचता है अवध। मैंने बताया था कि अवध भी स्वतंत्र हो चुका है और वहाँ पर जो प्रशासक है यानी वहाँ पर जो शासक है वो है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला को सिराजुद्दौला से कन्फ्यूज मत करना दोस्तों, बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला बट जो कि पलासी के युद्ध में हार गया था अंग्रेजों से। बट यहाँ पे शुजाउद्दौला है जो कि अवध का शासक। उसी समय बंगाल का शासक होता है दोस्तों मीर कासिम। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात होती है दोस्तों, शाह आलम चाह रहा है कि मैं बिहार को अपने प्रशासन में मिलाऊँ, उसके लिए उसे मीर कासिम के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। वो ये जाता है अवध और वहाँ कोशिश करता है शुजाउद्दौला के साथ मिलकर हम मीर कासिम को हरा दें। बट उससे पहले एक इंटरेस्टिंग कहानी होती है दोस्तों कि बंगाल का प्रशासक यानी कि जो उस समय मीर कासिम था, मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल से भगा दिया। यानी कि उसको वहाँ की गद्दी से पदस्थ कर दिया, वहाँ की गद्दी से उतार दिया और वो वहाँ से जान बचा कर भागा फिर आता है अवध। यानी कि शाह आलम द्वितीय के अवध पहुँचने से पहले ही मीर कासिम अवध पहुँचा हुआ था। ये उसको देखता है तो ये भौचक्का रह जाता है कि मैं तो इसी को खोज रहा था और ये हमें यहाँ मिल गया। बट यहाँ पे कहानी तो कुछ और थी, यहाँ पे अंग्रेजों से प्रताड़ित होकर वो भागा था। मीर कासिम ये चाहता था कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर हम अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ें और उसको यहाँ से भगा दें। इसी इच्छा के साथ वो शुजाउद्दौला के पास आता है लेकिन शुजाउद्दौला अंग्रेजों से लड़ाई के लिए करने के लिए मना कर देता है। वो उसका कहना है कि भाई तुम्हारे साथ लड़ाई हुई, तुमको शासन से हटाया तो तुम जानो, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं क्यों लड़ूँ। तो उसी पे ये समझाता है मीर कासिम कि आज
अंग्रेज मुझे हराया है, हो सकता है कल तुम्हें भी हरा देगा, इसलिए हम लोग अगर एक साथ मिल के लड़ें तो हो सकता है कि अंग्रेज को हरा दें। तो यहाँ पे अब तीन हो जाता है दोस्तों, यानी कि एक अवध का नवाब, दूसरा हो जाता है बंगाल का, और तीसरा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय भी वही है। तो किसी तरह सुजाउद्दौला को मनाया जाता है, और लेकिन उसके साथ ही उसने कुछ शर्त रखा बंगाल के नवाब मीर कासिम के पास। उसने ये शर्त रखा कि मुझे 11 करोड़ रुपया चाहिए। तो मीर कासिम ने बोला ठीक है, मैं जीतने के बाद दे दूंगा। उसके बाद उसने ये भी शर्त रखा कि 11 लाख रुपया सालाना चाहिए मुझे सैनिकों के खर्च के लिए, जब तक युद्ध नहीं होता या जब तक युद्ध की प्रक्रिया चलती है। तो मीर कासिम ने बोला ठीक है, वो भी मैं दे दूंगा। और इसके साथ ही बोला बंगाल, और इसके साथ ही उसने बोला मुझे बिहार की सूबेदारी भी चाहिए। तो मीर कासिम ने मैं सब कुछ के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि उसके पास फिलहाल तो कुछ था नहीं, अगर जीतता तो कुछ दे पाता, ये बात। तो इन दोनों के बीच पैक्ट होता है, शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम। और यही तीनों दोस्तों पैगाम भेजाता है अंग्रेजों को कि हमें युद्ध करना है, यानी कि उसके खिलाफ जंग बगावत की लड़ाई शुरू कर देती है। और जो हमने बक्सर के बारे में सुना था, बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी जाती है। बट उसके लड़ने से पहले एक कहानी होती दोस्तों, यहाँ पे सुजाउद्दौला ने मीर कासिम को समझाया कि अभी लड़ाई करना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी बरसात का समय शुरू हो गया और हम लोग जो भी गोला बारूद दागेंगे वो काम करेगा नहीं। बट मीर कासिम के पास उतना समय था नहीं, वो चाहता था कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं अंग्रेजों से लड़ाई करके उसे हरा दूं और जाके फिर से वापस बंगाल की गद्दी पे बैठ जाऊं। तो इसी सिलसिले में दोस्तों क्या होता है, 1764 में इन तीनों का सैनिक, यानी कि सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों जो है सो इकट्ठा होते हैं बक्सर के मैदान में, और इधर से हेक्टर मुंडरो के नेतृत्व में। यहाँ पे आप क्वेश्चन याद रखना, ये अंग्रेजों की तरफ से कौन था, हेक्टर मुंडरो, यानी कि हेक्टर मुंडरो के नेतृत्व में अंग्रेज भी वहाँ पहुँच चुका है, और इधर से तीनों भारत के शक्तिशाली जो गुट थे तीनों के तीनों वहाँ आ चुके हैं। बट दोस्तों हेक्टर मुंडरो दोस्तों बहुत ही चतुर आदमी था, और उसने इस लड़ाई को बड़ी आसानी से जीत लिया। तो कहते हैं दोस्तों कि मात्र 3 घंटे में बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों ने अपने हक में जीत लिया, और इस तरह से तीनों का पराजय होता है। मीर कासिम तो वहाँ से भाग ही जाता है, और बसता है आपका शाह आलम द्वितीय। इस लड़ाई में हार के बाद दोस्तों 1764 में ये लड़ाई होती है, और 1765 में एक संधि करनी पड़ती है इन लोगों को, जो कि इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है, यानी कि बक्सर की लड़ाई 1764 और इलाहाबाद की संधि 1765। तो इस तरह से दोस्तों अंग्रेजों का वर्चस्व वहाँ से और ज़्यादा प्रभुत्व वो अपना बढ़ा लेता है। इस तरह से वो अपने आप पैर कुछ ज़्यादा ही फैला लेता है भारत प्रशासन में, क्योंकि जो भी उस समय शक्तिशाली गुट था, अवध, बंगाल और दिल्ली, तीनों का तीनों एक साथ हार चुका है बक्सर की लड़ाई में। अब अंग्रेज को रोकने वाला कोई नहीं था। यहाँ से कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की संधि। ये आपको क्वेश्चन पूछता है, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। इस संधि के अकॉर्डिंग क्या हुआ था दोस्तों कि शाह आलम द्वितीय को बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों की सूबेदारी अंग्रेजों को सौंपनी पड़ती है, और इसके बदले में अंग्रेजों ने इससे वादा किया था कि 26 लाख रुपया नजराना उसको वार्षिक मिलेगा, यानी कि पेंशन कर सकते हो कि इन तीनों के बदले में 26 लाख रुपया वार्षिक उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से युद्ध हारने के बाद इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है दोस्तों, वो ऐसे स्थिति में पहुँच जाता है कि वो वापस दिल्ली भी नहीं आ पाता है। फिर ऐसा कहा जाता है कि 1772 में मराठों की मदद से शाह आलम द्वितीय फिर पुनः वापस दिल्ली पहुंचता है। लेकिन तो आप ही बताना दोस्तों कि जब तक शाह आलम द्वितीय युद्ध में व्यस्त था और जब तक वो युद्ध में व्यस्त था और इन सब सारी प्रक्रिया में बिजी था, तब तक वहां दिल्ली के शासन पे कौन बैठा हुआ था, इसका प्रधानमंत्री गुलाम कादिर खान। और ये गुलाम कादिर खान मैंने बताया था काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और ये नहीं चाहता था कि शाह आलम द्वितीय वापस आए, क्योंकि अगर वो वापस आएगा तो इसका वर्चस्व फिर से ख़त्म हो जाएगा और
अभी जो एक राजा की तरह काम कर रहा है, वो शासक नहीं होते हुए शासक की तरह काम कर रहा है, वो अब नहीं कर पाता। तो इसी सिलसिले में क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही शाह आलम द्वितीय दिल्ली पहुंचता है मराठों की मदद से, तो इसके बीच भी झड़प होती है, इनके बीच भी विवाद होता है, और इसी क्रम में गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय का आँख फोड़ देता है। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को अंधा बना देता है, और शाह आलम द्वितीय काफ़ी समय तक अंधा शासक के तौर पर ही वो शासन प्रशासन को संभालता है। और 1803 ईस्वी में अंग्रेज ने दिल्ली पे पूर्ण अधिकार कर लिया, लेकिन शासन प्रक्रिया को अपने हाथ में नहीं लेते हुए बस दिल्ली पे अधिकार कर लिया। फिर आता है दोस्तों 1806 में शाह आलम की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती नहीं बल्कि उसी का जो प्रधानमंत्री था गुलाम कादिर खान, वो उसका हत्या कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से शाह आलम द्वितीय का कहानी यहाँ पे खत्म होता है। शाह आलम द्वितीय के बारे में, द्वितीय के शासनकाल में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है दोस्तों, पानीपत की तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है, आपको पता होगा, और इसमें मराठा जो उस समय सबसे शक्तिशाली हुआ करता था भारत में, मराठा साम्राज्य और अब्दुल शाह अब्दाली, यानी कि मैंने यहाँ अहमद शाह अब्दाली, मैंने बताया था आपको कि अहमद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, उसने जो आक्रमण किया था, उसने फिर से आक्रमण किया था, जो आक्रमण किया था 1761 में, फिर से पानीपत का तृतीय युद्ध होता है जिसमें कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ाई होती है, और जिसमें मराठाओं की बुरी तरह से हार होती है। मराठाओं की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था सदाशिव राव भाव, और अहमद शाह अब्दाली की पूरी सेना थी, और इसमें मराठा साम्राज्य की हार होती है। इसकी चर्चा हम लोग आगे विशेष करेंगे कि पानीपत के तृतीय युद्ध के में क्या क्या कौन कौन सी कड़ी जुड़ी हुई थी, भारत के कौन कौन से शक्तिशाली जो से वो गुट इसमें शामिल थे, और बाकी अपोजिट यानी कि अहमद शाह अब्दाली की तरफ से कौन कौन था, इसके बारे में हम लोग जब मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। और ये बक्सर की लड़ाई जो हमने यहाँ पढ़ा, बक्सर की लड़ाई जब हम बंगाल शासन को पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसको अच्छे से डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इसमें बस थोड़ा सा मैंने ट्रेलर दे दिया है, इसको आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। शाह आलम द्वितीय में दोस्तों आप लोगों को क्या याद रखना है कि इसका ओरिजिनल नाम अली गौहर है, और इसके प्रधानमंत्री का नाम गुलाम कादिर खान है। पानीपत का तृतीय युद्ध इसके शासनकाल में हुआ 1761 में। बक्सर की लड़ाई हुई जिसमें कि इसकी हार हुई, शाह आलम की हार हुई, और इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी 1765 में। फिर 1772 में मराठाओं की मदद से वो दिल्ली पे वापस आया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उड़ीसा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में सौंपनी पड़ी। इसी के साथ 26 लाख का नजराना उसे वार्षिक देने का वादा किया अंग्रेजों ने, और 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पे अधिकार कर लिया। 1806 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से शाह आलम द्वितीय की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है। शाह आलम द्वितीय के बाद दोस्तों गद्दी पे बैठता है अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय के समय दोस्तों दिल्ली प्रशासन इतना सिमट कर रह गया था, यानी कि दिल्ली और उसके आसपास की गलियों के आसपास ही सिमट के रह गया था। जैसे आप लाल किला के पास जाओगे उसके पीछे जो नदी है यानी कि यमुना नदी, वो यमुना नदी के इस पार तक ही इसकी शासन प्रक्रिया सीमित हो गई थी, सिमट के रह गई थी, जिस तरह से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व बना लिया था। उनके पैसे से उसके भरपेट अनाज भी नसीब नहीं होता था। हालात इतने बदतर हो गए थे कि मुगल शासन के दोस्तों कि मुगल प्रशासन के संस्थापक ने कभी सपनों में सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का हालत मुगल प्रशासन का होगा। इतना दयनीय स्थिति आज तक कभी नहीं हुई थी मुगल प्रशासन की। ठीक है दोस्तों, तो अकबर द्वितीय मैंने बताया था कि 1806 में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला सबसे पहला मुगल शासक था। तो कितना बलवान होता है दोस्तों आप इस घटना चक्र से पूरा देख सकते हैं। एक समय ऐसा था दोस्तों जब मुगल प्रशासन या फिर मुगल प्रशासक के मुँह से निकला हुआ एक भी बात ईश्वरीय आदेश हुआ करता था, इसलिए उसको बादशाह कहा जाता था। एक समय ऐसा भी आया था दोस्तों जब अंग्रेज भारत में पदार्पण किए थे तो उनकी ख्वाहिश हुआ करती थी कि मुगल प्रशासन में जो सामंत है उसके अकॉर्डिंग या फिर उसके बराबर भी हमको सैलरी मिले, या फिर उसके इतना भी अधिकार हमें मिले तो मैं तो राजा की तरह रहूँगा। बट अब समय का चक्र ऐसा बदला कि अंग्रेज अब पावरफुल हो गया, और यहाँ से मुगल शासन पूरी तरह से नस्ते नाबूद हो गया था, अब रोटी के लिए तरस रहा था। हालात इतने ख़राब हो गए थे दोस्तों कि जो पेंशन के लिए पैसा मिल रहा था उसमें उसका पेट तक नहीं भरता था। इसी में दोस्तों अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को बुलाया और उनको बोला कि आप लंदन जाओ और यहाँ की स्थिति के बारे में, यहाँ की जर्जरता के बारे में उनको बताओ कि इतने पेंशन के पैसे से हमारा कुछ नहीं हो रहा है। और राजा राम मोहन के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों कि राजा राम मोहन को जो राजा की उपाधि है, ठीक है,
जो राजा की उपाधि है वो अकबर द्वितीय ने ही दिया था। एक्चुअली में राजा राममोहन का असली नाम था राममोहन गांगुली, ठीक है, राममोहन गांगुली, और इनके पिता का नाम था रमाकांत राय, यानी कि राय ये अपने पिताजी के नाम से लिया और राजा इसको उपाधि में दिया था अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय के शासन में आप दोस्तों इतना पॉइंट याद रख सकते हो कि ये अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल शासक था और इसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। और इसके समय स्थिति इतनी बदतर हो गई थी कि पेंशन के पैसे से भी इसका पेट नहीं भर रहा था मुगल प्रशासकों का, और यहाँ तक हालात खराब हो गए थे दोस्तों कि वहाँ की जो वृद्ध महिलाएं थी वो जो है सो चांदनी चौक पर चूड़ियाँ बेचने लगी थी, वो मतलब कुछ सब्जी बेच रहे हैं कुछ चूड़ियाँ बेच रहे हैं, और जो वहाँ की यंग महिलाएं थी वो वेश्यावृत्ति के पेशे को अपनाकर अपना जीवन पोषण करना शुरू कर दिया था। ये हालात बदतर हो गए थे अकबर द्वितीय के शासनकाल में। और इसी तरह 1837 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के बाद जो शासक बनता है उसका नाम है दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर, इसको ही बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता था। बहादुर शाह जफर एक नरम दिल इंसान था दोस्तों, बट अयोग्य शासक था। एक सशक्त शासक होने के लिए दोस्तों क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, कभी कभी कठोर डिसीजन ही लेना पड़ता है, बट इसके पास वो काबिलियत नहीं थी। आपको आप लोगों में से बहुत लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में सुना होगा, वो 10 मई 1857 का दिन जिसमें चर्बी वाले कारतूस को यूज करने से नाग सैनिकों ने मना कर दिया, बल्कि वहाँ पर विद्रोह भी कर दिया और अपने सर्जेंट को गोली भी मार दिया, और इसी सिलसिले में वहाँ से वो भाग के आया था एक नेतृत्वकर्ता की खोज में, और उसकी उसके कदम दिल्ली की तरफ आता, और दिल्ली में 11 मई की सुबह है सुबह और दिल्ली 11 मई की सुबह अभी दिल्ली भोर से जागा ही था, उसी समय एक सैनिकों का जत्था रोड पे चला हुआ आ रहा है लाल किले की तरफ, और वो जाके मिलता है बहादुर शाह जफर से यानी बहादुर शाह द्वितीय से, और उसके सामने वो रिक्वेस्ट करता है कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करिए। बट यहाँ पर दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय ने साफ वहाँ नेतृत्व करने से मना कर दिया और वहाँ से हाथ पीछे खींच लिया। बट जैसे जैसे समय बीतते गया, एक 12 मई 13 मई 14 मई 15 मई, इसके बाद बहादुर शाह जफर ने एक्सेप्ट कर लिया उसके नेतृत्व करने के लिए, और वह नाम मात्र का नेतृत्व करता था, दो तीन चार पाँच ही ऐसे कैरेक्टर थे जिसने कि उत्तर भारत में इस आंदोलन को हवा दी और पूरे आग की तरह फैलाया। और इसी क्रम में दोस्तों अंग्रेज प्रशासन ने भी एक बहुत ही कठोर निर्णय लिया, और उसने बोला कि चाहे जितना भी खून खराबा करना पड़े भारत से हमारा साम्राज्य खत्म नहीं होना चाहिए, भारत से हमारा प्रशासन खत्म नहीं होना चाहिए, चाहे जिस आपको जो करना हो। और इसी सिलसिले में उसने हरसन और निकोलस नाम के दो पदाधिकारियों को यहाँ भेजा था, और यही निकोलसन और हरसल ने बहादुर शाह जफर के दो नातियों को नंगा करके गोली मार के उसके शरीर को छलनी करके उसको गेट पे टांग दिया था, दिल्ली दरबार के गेट पे टांग दिया था, और उस सब को वहाँ से उतारने की अनुमति भी नहीं किसी को थी, क्योंकि वो मुगल प्रशासन के जनता को दिखाना चाहता था कि अंग्रेज़ों के साथ बगावत करने का क्या अंजाम होता था, वो एक खौफ पैदा करना चाहता था। और इसी सिलसिले में दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय वहाँ लाल किला छोड़ देता है और जाके हुमायूं के दरबार में छुप जाता है, और निकोलस और हरसन उसको डिबिया लेके ढूंढ रहा है, और जब वो उसे मिलता है तो बहादुर शाह जफर उससे पूछता था कि गलती मैंने की थी तो सजा मेरे नातियों को क्यों दिया। इसका ये एटीट्यूड देख के दोनों अधिकारियों को बहुत हैरानी हुई कि इतना टूट जाने के बाद भी इसके में अभी भी क्वेश्चन करने की ताकत है, आज भी ये लड़ने के लिए तैयार है। तभी उसने सोचा कि भारत में मुगल शासन ने अपना से साम्राज्य खोया है, अपनी साख नहीं खोई है, हो सकता है कि भविष्य में अगर ऐसा फिर से कोई आंदोलन हो तो इसी का कोई नेतृत्वकर्ता पूरे भारत को एक कर सकता है। इसलिए यहाँ पर उन लोगों ने डिसीजन लिया कि मुगल साम्राज्य के जितने भी आला अधिकारी थे, जितने प्रशासनिक थे, यानी कि जितने उसके खानदान सही टोटल को रंगून भेज दिया। रंगून म्यांमार में पड़ता है, आपको पता होगा, और वहीं पे सारा जीवन उसने बड़े दुख दर्द में बिताया, और किसी को भी भारत आने की अनुमति नहीं थी। तभी बहादुर शाह जफर ने ये बोला भी कि ये कैसा मेरा दुर्भाग्य है कि जहाँ मैंने जन्म लिया वहाँ मुझे 2 गज की जमीन भी नहीं मिल रही अपने सबको दफनाने के लिए। इस तरह की बदतर स्थिति हो गई थी दोस्तों, और आखिरकार उसकी मृत्यु रंगून में हो जाती है 1862 में। और इनके रिश्तेदार जब बहुत कोशिश किए कि भारत वापस आए, अपने वतन वापस आए, तो उनको मना कर दिया गया साफ, और जब एक बार उनको बोला भी गया 1830 में वापस आने के लिए, तो उसको साफ ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि मैं जो पहचान पत्र दे रहा हूँ उसी पहचान पत्र को तुम्हें बताना है, तुम्हें ये नहीं बताना है कि मैं मुगल शासन या मुगल प्रशासन का मुगल साम्राज्य का कोई हिस्सा हूँ, और अपनी पहचान को छुपा के रखना है। तो आज भी दोस्तों वहाँ दिल्ली आज भी दोस्तों कलकत्ता में वहाँ की मुगल प्रशासक के कुछ लोग उस समय जो दोस्तों पॉलीथीन बनाने और कचरा साफ करने का काम कर रहे थे, और फिर वहाँ से शिफ्ट हो गए थे अवध। तो इस प्रकार मुगल प्रशासन का, मुगल साम्राज्य का बहुत ही दुखदायक अंत होता है, और अंग्रेजों अपने पूरी हुकूमत के साथ आगे बढ़ता है।
तो इसके बाद शुरू होता है दोस्तों मराठा साम्राज्य, जो कि हम लोग अब अपने अगले सेशन में देखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार वहाँ का चित्रण है, वहाँ का जो शासन प्रक्रिया है मराठा साम्राज्य, उसको हम लोग अगले सेशन में शुरू करेंगे। और मुगल प्रशासन में हम लोगों ने देख लिया दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी प्रशासक आए, मैं इसको एक बार क्विक रिविजन कर देता हूँ। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम आया, फिर जहांदार शाह, फिर फारूक सियर, फिर रफीउद्दौला, फिर रफीउद्दर्जात, उसके बाद फिर मोहम्मद शाह, उसके बाद फिर अहमद शाह, उसके बाद फिर आलमगीर द्वितीय, उसके बाद फिर शाह आलम द्वितीय, उसके बाद फिर अकबर द्वितीय, और लास्ट में आया बहादुर शाह जफर। आप इस क्रम को दोस्तों याद रखना। और यहाँ पे जो आज मैंने पढ़ाया है, यहाँ पे अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, इसको एक कीवर्ड से आप याद कर सकते हो आशा, क्योंकि आप जब बीपीएससी या फिर पीएससी का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे आपको एक क्रम सजाने के लिए देगा कि इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन। तो आपको डेट रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस शासकों के क्रम को याद रखो। मैं जिस तरह से एक कहानी के सिलसिले में आपको पढ़ाया समझाया है, उसको एक पूरे अच्छे से देखो दो बार तीन बार, आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो कीवर्ड है दोस्त आशा, यहाँ से आपको अहमद शाह हो जाएगा, आलमगीर द्वितीय हो जाएगा, उसके बाद फिर शाह आलम हो जाएगा, और उसके बाद फिर अकबर द्वितीय हो जाएगा। यहाँ अकबर द्वितीय में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वो अकबर द ग्रेट समझ लेता है, तो यहाँ पे इस चीज़ से बचेगा आप लोग। और लास्ट में अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय। इस तरह से दोस्तों मुगल साम्राज्य का समाप्ति होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं जिस तरह से आपको समझाता हूँ पढ़ाता हूँ, रटने रटाने का कोई टेंशन ही नहीं है। तो इस वीडियो को देखते रहिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मराठा साम्राज्य की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।